Hello students, this is Bhagya sir. Today we are going to do supplementary lesson 2 from your English textbook. The name of the chapter is The Thief Story and it's written by Ruskin Bond. Let's know something about the author. Here you can see Ruskin Bond. Ruskin Bond was born on 19 May 1934 and is still alive. Is an Indian author of British descent. Indian author of British descent का मतलब यह है कि उसके जो माता पिता थे वो ब्रिटिशर थे और क्योंकि वो अभी भी इंडिया में रहते हैं तो वो इंडियन ऑथर जाने जाते हैं. He lives with his adopted family in Lahore, मसूरी इंडिया. इंडिया में मसूरी में वो अभी भी रहते हैं अपने अडॉप्टेड फैमिली के साथ. द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया एंड ही वाज अवार्डेड द साहित्य एकेडमी अवार्ड इन 1992 फॉर अर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा. भारत में साहित्य के जगत में जो सबसे ऊंचा अवार्ड है वो साहित्य एकेडमी अवार्ड वो उनको दिया गया था. इन द ईयर 1992 उनकी एक नॉवेल थी जिसका नाम था अ ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा. उसके लिए ही वॉज अवार्डेड द पद्मश्री इन 1999 एंड पद्म भूषण इन 2014. नाउ व्हाट इज दिस लेसन अबाउट. This story is about a 15-year-old thief who changes his name every month to stay ahead of the police and old employers. ये एक 15 साल के लड़के की कहानी है जो एक चोर है और वो हर महीने अपना नाम बदलता रहता है ताकि वो पुलिस की और अपने जो पहले वाले जो मालिक है जिनके वहां वो काम करता था उनकी पहुंच से दूर रह सके. This time He kept his name Hari Singh. इस वक्त उसने अपना नाम हरि सिंह रखा है. The other person in the story is a 25-year-old writer named Anil. दूसरा कैरेक्टर जो स्टोरी में इंट्रोड्यूस किया गया है वो अनिल नाम का एक 25 साल का लड़का है. The thief meets Anil and asks him if he can work for him. ये हरि सिंह अनिल को मिलता है और बोलता है कि क्या वो उसके साथ काम कर सकता है या उसके लिए काम कर सकता है. The story unfolds on how the thief betrays Anil by committing a theft but retracts later on. ये कहानी उस बात तक पहुंचती है जहां हरि सिंह अनिल को बिट्रे मतलब धोखा देता है और बाद में उसको पछतावा होता है और कैसे वो वापस आ जाता है अनिल के पास. The thief himself is the narrator here. इस कहानी को नरेट करने वाला जो कैरेक्टर है वो हरि सिंह मतलब वो जो थीफ है वो खुद है. वी आर गोइंग टू सी द समराइज्ड वर्जन ऑफ दिस लेसन एंड आफ्टर रीडिंग आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस समराइज्ड वर्जन यू विल रीड द लेसन वंस एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. द स्टोरी गोज दिस वे. हरि सिंह वॉज अ थीफ And he saw Anil watching a wrestling match. हरि सिंह एक थीफ है चोर है और जब वो अनिल को पहली बार मिलता है तो अनिल को एक रेसलिंग मैच देखते हुए उसको देखता है. अनिल वॉज अ स्ट्रगलिंग राइटर एट दैट टाइम. अनिल जो है 25 साल का लड़का वो एक स्ट्रगल करने वाला राइटर है लेखक है. हरि एट वंस मेड अ प्लान. हरि उसको देखते ही प्लान बना लेता है एंड एज पर हिज प्लान और उसके प्लान के मुताबिक ही फॉलोड अनिल. अनिल का वो पीछा करता है. व्हेन ही लेफ्ट द मैच जब अनिल मैच देख के निकलता है तब. लेटर हरि इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ टू अनिल एज हरि सिंह. उसके बाद हरि सिंह अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है अनिल के सामने हरि सिंह नाम से. हाउएवर इट वॉज नॉट हिज रियल नेम. ये उसका असली नाम नहीं है. As right after conducting a theft, हर एक बार चोरी करने के बाद he kept changing his name so that police could not catch him.
हर एक बार चोरी करने के बाद वो अपना नाम बदल लेता था ताकि पुलिस उसका पीछा न कर सके। लेटर ही मेंशन दैट ही वांट्स टू वर्क विद अनिल। हरि सिंह अनिल के सामने एक प्रपोजल रखता है कि वो अनिल के साथ काम करना चाहता है। व्हेन अनिल सेड दैट ही वुड नॉट बी एबल टू पे हरि, हरि रिप्लाइड दैट ही डिड नॉट नीड मनी। अनिल जब उसको बताता है कि वो उसके साथ काम कर सकता है लेकिन उसके लिए कोई भी पेमेंट उसको नहीं दे पाएगा, तब हरि सिंह उसको जवाब देता है कि उसको पैसों की जरूरत नहीं है। He demanded food instead of payments from Anil as the charges for all the household work. हरि सिंह जो भी काम करेगा अनिल के लिए उसके बदले में उसको पैसे नहीं लेकिन उसको खाना पीना मिल जाए और रहने के लिए जगह मिल जाए वही उसके लिए काफी है, ऐसा वो अनिल को बताता है। अनिल asked whether he can cook. अनिल हरि सिंह को पूछता है कि क्या वो खाना बना सकता है and हरि as usual lied और अपनी आदत के मुताबिक हरि झूठ बोलता है कि हाँ उसको खाना बनाना आता है। So both came to Anil's place, दोनों अनिल के घर आते हैं and Anil left his balcony to Hari. अनिल अपने घर में जो एक बालकनी होती है वो हरि सिंह को रहने के लिए दे देता है। Hari cooked food for Anil, but it was so tasteless that Anil had to feed that to a dog. पहली बार हरि सिंह जब अनिल के लिए खाना बनाता है तो वो खाना इतना टेस्टलेस होता है, बेस्वाद होता है कि अनिल को पसंद नहीं आता है और वो खाना डॉग को दे दिया जाता है। He asked Hari to leave the place right then. जब हरि सिंह की असलियत पता चलती है कि वो झूठ बोला है, उसको खाना बनाना आता है, वो अनिल को जब पता चलता है तो उसको तुरंत अपना घर छोड़ने के लिए बोल देता है। बट हरि डिडंट गो, लेकिन हरि सिंह वहां से जाता नहीं है। After a short time, कुछ समय के बाद Hari got permission to stay there. अनिल को हरि सिंह के ऊपर दया आती है और वो उसको वहां रहने के लिए बोलता है। अनिल was so generous that he agreed to teach Hari how to cook. अनिल इतना दयालु आदमी था कि वो हरि सिंह को कुछ पढ़ाना और पढ़ लिख के आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है जो हरि सिंह तैयार होता है उसके लिए। एट द सेम टाइम वो हरि को खाना भी बनाना सिखाएगा वो भी बोलता है। द बॉन्डिंग बिटवीन हरि एंड अनिल स्लोली इंटेंसिफाइड। साथ रहने के वजह से हरि और अनिल के बीच में एक जो बॉन्डिंग होता है वो धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। अनिल स्टार्टेड अर्निंग एंड वन डे ही अर्न 600 रुपीज। अनिल अब कमाना शुरू करता है और एक दिन उसको 600 रुपये की कमाई होती है इन 50 रुपीज नोट्स, और वो 600 रुपये 50 रुपीज की नोट्स के स्वरूप में होते हैं। बाय सेलिंग हिज बुक टू अ पब्लिशर, और ये 600 रुपये अपनी एक लिखी हुई बुक एक पब्लिशर को बेच के वो कमाता है। इट इज ऑलमोस्ट अ मंथ हरि एंड अनिल आर स्टेइंग टूगेदर। एक महीने से ज्यादा टाइम बीत चुका था इन दोनों को साथ रहते हुए। एंड अनिल हैंडेड ओवर अ की टू हरि आउट ऑफ ट्रस्ट, और अनिल ने हरि के ऊपर जो भरोसा था जो ट्रस्ट था उसके मारे घर की एक चाबी भी उसको दे रखी थी। हरि बिकेम अ पार्ट ऑफ अनिल्स लाइफ। हरि अब अनिल की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी ऑफ अनिल, और ये अनिल की जो सिंप्लिसिटी थी उसकी वजह से ये बॉन्ड तैयार हुआ था दोनों के बीच में। अनिल वॉज सेटिस्फाइड विद द हाउस होल्ड वर्क हरि डिड। अनिल को अब सेटिस्फेक्शन मिल रहा था हरि सिंह जिस तरह से घर के काम कर लेता था उसकी वजह से। हाउएवर अनिल वॉज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट हरि वॉज एक्चुअली अ थीफ। अनिल को बिल्कुल पता नहीं था कि हरि सिंह एक्चुअली एक चोर है। अनिल डिड नॉट इवन नो वॉट हरिज इंटेंशन वॉज, और अनिल को ये भी बिल्कुल पता नहीं था कि हरि सिंह का यहाँ आने का इंटेंशन क्या है। In between, Hari planned to steal Anil's money. उस दौरान हरि के दिमाग में अनिल के वो पैसे चुराने का आइडिया आता है जो उसने अपनी एक बुक पब्लिशर को बेच के कमाए होते हैं, वो 600 रुपये। But Hari was sad. लेकिन हरि थोड़ा दुखी है, not because he was guilty to steal from someone who fed him. ये इसलिए नहीं क्योंकि वो
उस जगह चोरी कर रहा था जहां उसको खाना पीना मिल रहा था, बट बिकॉज देर वॉज नो स्ट्रगल इन स्टीलिंग अनिल्स मनी, लेकिन अनिल के पैसे चोरी करने में उसको जरा भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है उसकी वजह से। हरी वॉज सैड बिकॉज ही हार्डली नीड्स टू पुट एनी एफर्ट हियर। हरी इसलिए भी थोड़ा दुखी था क्योंकि चोरी करने के लिए जो उसको मेहनत या मशक्कत करनी पड़ती है वो उसको यहाँ बिल्कुल नहीं करनी पड़ी थी। अनिल वॉज सो मच केयरलेस दैट स्टीलिंग हिज मनी बिकेम इजियर। अनिल इतना केयरलेस था कि उसके पैसे चोरी करना हरी सिंह के लिए बहुत आसान बन गया था। हरी कंसोल्ड हिमसेल्फ दैट इट विल बी एथिकल स्टीलिंग एज अनिल डिड नॉट पे हिम फॉर ऑल द हाउसहोल्ड वर्क ही परफॉर्म। अनिल अपनी इस हरकत को जायज मानता था। एथिकल स्टीलिंग का मतलब है वो अपनी चोरी को जायज समझता था क्योंकि अनिल उसको कोई पैसे नहीं दे रहा था घर के काम करने के बदले। ही फॉरगॉट दैट अनिल मेंशन्ड बिफोरहैंड दैट ही वुड नॉट बी एबल टू पे एंड हरी अग्रीड टू दैट। उसको ये भी पता नहीं था कि ये उसी ने इस बात के साथ एग्री किया था कि वो पैसे नहीं लेकिन रहने और खाने पीने के लिए जगह चाहता है। एज पर द प्लान्स, प्लान के मुताबिक हरी थॉट टू एस्केप टू लखनऊ वाया ट्रेन आफ्टर स्टीलिंग। अनिल के 600 रुपए चोरी कर लेने के बाद हरी सिंह वाया ट्रेन लखनऊ भाग जाने का प्लान बना रहा था। हिज ड्रीम वॉज टू लीड अ लेविश लाइफस्टाइल विथ दिस मनी। उसका एक सपना था ये 600 रुपये की मदद से एक लेविश लाइफ जिएगा, मतलब मौज मस्ती से भरी जिंदगी जिएगा। ही स्टोल एंड रैन टू द स्टेशन। पैसे चोरी करने के बाद वो रेलवे स्टेशन भागता है। देयर ही हैड सीन द ट्रेन टू लीव द स्टेशन। पहुंचने के बाद वो ट्रेन को स्टेशन छोड़ के निकलते हुए देखता है। ही कुड इजीली जंप टू गेट इन द ट्रेन एज ही वॉज वेरी मच यूज टू विथ ऑल दिस मिस्चिवस एंड रिस्की एक्टिविटी। वो चाहता तो जंप लगा के ट्रेन में वो बैठ सकता था, ऐसी एक्टिविटियों का वो आदि था, दौड़ना भागना जंप लगाना ऐसी प्रवृत्तियों का। बट ही हैड अ चेंज इन माइंड सडनली। लेकिन उसके दिमाग में अचानक उसकी सोच में एक बदलाव आता है। आफ्टर दैट ही हैड मिस्ड द ट्रेन एंड ही हैड नो प्लेस टू स्टे, वेयर एज ही ऑल्सो वॉज अनविलिंग टू स्टे इन होटल्स। ट्रेन मिस करने के बाद अब कहाँ रहा जाए उसका कंफ्यूजन पैदा होता है। होटल में रहना वो चाहता नहीं है। एट दिस टाइम अ लॉट ऑफ फैक्टर्स वर रनिंग इन हिज माइंड। उसके दिलो दिमाग में बहुत सारी जद्दोजहद चल रही है, बहुत सारे विचार चल रहे थे। एज ही वॉज अ थीफ फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स ही न्यू वेल दैट अनिल इज सच अ पर्सन हु वुड बी सैड आफ्टर डिस्कवरिंग दैट हिज मनी हैड गॉन। इतने सालों चोरी करने के बाद हरी सिंह के दिमाग में ये बात आई कि अनिल को जब पता चलेगा कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं और वो उस व्यक्ति ने चोरी किए हैं जिसके ऊपर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, तो बहुत दुखी हो जाएगा। हरी अंडरस्टूड दैट अनिल ट्रस्टेड हिम एंड ही वुड बी सैड बिकॉज ऑफ दिस टू। हरी वॉज नॉट क्लूलेस वॉट टू डू, बट ही रियलाइज्ड दैट ही डिड नॉट वॉन्ट टू ब्रेक अनिल्स ट्रस्ट। अनिल का जो ट्रस्ट था हरी के ऊपर वो हरी सिंह तोड़ना नहीं चाहता है किसी भी कीमत पे। इट वॉज एन अनकम्फर्टेबल सिचुएशन फॉर हिम एंड ही गॉट ड्रेंच्ड इन द चिली रेन ऑफ नवंबर। जब वो रेलवे स्टेशन के बाहर निकला तो नवंबर महीने की चिली ठंड से भरी बारिश की वजह से कम्प्लीटली वो भीग गया था। हरी इमर्स्ड इन थॉट्स एंड ही अंडरस्टूड इट वुड नॉट बी ऑल राइट टू एस्केप विथ अनिल्स मनी। अनिल के पैसे लेके भाग जाना वो बिल्कुल सही बात नहीं है, वो उसके दिलो दिमाग में चल रहा था। अनिल वॉज अ जनरस पर्सन एंड ही ट्रस्टेड हरी विच नो वन डिड बिफोर। अनिल एक दयालु आदमी था और उसने हरी सिंह पर भरोसा किया था। आज तक हरी सिंह पर इतना भरोसा पहले किसी ने किया नहीं था। He also realized that by staying with Anil, Anil ke saath rehke, he
he could learn to write and he could earn sufficient amount through writing. Hari ne ye bhi socha ki Anil usko padha likha raha tha, usko education de raha tha, aaj nahi to kal nahi to parso ek achha education paake wo bhi likh ke paise kama sakta hai jaise Anil abhi kama raha tha. Just like Anil is earning now. With this realization, Hari went back to Anil's place and put the money back. ये सोच के साथ हरि सिंह अनिल के घर वापस जाता है और उसके पैसे उसी जगह पे रख देता है जहां से उसने चुराए थे. The next morning, दूसरे दिन सुबह, अनिल woke up and made tea. अनिल जल्दी जल्दी उठ गया था और उसने अपने और हरि सिंह के लिए चाय बना के तैयार रखी थी. लेटर ही ऑफर 50 rupees टू हरि. चाय पीने के बाद अनिल ने हरि सिंह को 50 rupees का नोट दिया. अनिल had discovered the crime as the notes were wet. अनिल को पता चल गया था कि अगली रात क्या हुआ था, क्योंकि ये जो 50 के नोट का जो बंडल था वो वेट मतलब गीला था. बट हरि डिड नॉट नो अबाउट दैट. लेकिन हरि को उसने पता नहीं चलने दिया कि उसको पता चल चुका है उस चोरी के बारे में जो उसने अगली रात की थी. अनिल वॉज हैप्पी Because of Hari's late awake of conscience. अनिल खुश था क्योंकि देर से ही सही, लेकिन अनिल हरि की जो अंतरात्मा थी वो जाग उठी थी. अनिल नेवर mentioned this. अनिल ने कभी भी इस चोरी का जिक्र हरि सिंह के सामने नहीं किया, which is another good quality of Anil. Even though he understood that Hari was a liar, he never blamed Hari. उसको पता था कि हरि सिंह एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, फिर भी उसने कभी हरि सिंह को उसके लिए ब्लेम नहीं किया था. He was so happy because Hari was strong enough to have such self-control. उसको खुशी हो रही थी कि हरि सिंह का सेल्फ कंट्रोल काफी अच्छा था और चोरी करने के बाद भी वो उसी घर में वापस आया था जहां उसने चोरी की थी. Through Anil, the author wants to pass the message. अनिल के कैरेक्टर के द्वारा रस्किन बॉन्ड एक मैसेज कन्वे करना चाहता है दैट appreciation इज मोर important देन accusing. किसी की appreciation, किसी की तारीफ करना ज्यादा important होता है rather than accusing, उसके ऊपर आरोप लगाने के बदले. when a person chooses the right path by leaving the wrong one. जब आदमी गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ते पर आने की कोशिश करता है तब उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए, न ही उसको ब्लेम करना चाहिए, न ही उसके ऊपर कोई आरोप लगाना चाहिए. अनिल सिंपली टोल्ड दैट ही वुड पे हरि रेगुलरली एज इज डूइंग हाउसहोल्ड वर्क क्वाइट इम्प्रेसिवली. अनिल ने हरि सिंह को यह भी बताया कि अब के बाद वो हरि सिंह को रेगुलरली पे करेगा क्योंकि वो उसके कामकाज करने से खुश था. अनिल ऑल्सो मैंशन दैट पेइंग हरि वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. अनिल ने यह भी बताया कि हरि सिंह को पे करना उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. As Anil had finally started earning, क्योंकि अनिल ने अब कमाना शुरू कर दिया था. Hari was greatly impressed by such behavior. Hari Singh अनिल के इस behavior से काफी impress हो जाता है, as he was not used to meeting such people. आज तक जिंदगी में ऐसे लोगों से वो मिला नहीं था जिसने उस पर इस तरह से भरोसा किया हो. He was so glad, वो इतना खुश था that he finally earned something. He was so amazed by the fact that the money he had just received is not stolen, and he readily agreed to learn something with Anil and become a learned person. 50 rupees जो अनिल ने अभी उसको दिए थे वो उसकी खुद की कमाई थी और वो कामकाज करके उसने कमाए थे, उसने चोरी नहीं किए थे, और अनिल के साथ बैठकर वो पढ़ने लिखने का फैसला करता है. The story tells us how Anil's influence worked on Hari. स्टोरी हमें ये बताती है कि अनिल की जो अच्छाई थी वो हरि सिंह जैसे बुरे आदमी के ऊपर, झूठे आदमी के ऊपर कैसे काम कर रही थी, एंड हाउ फोर्स्ड हिम टू कम ऑन द राइट पाथ, और किस तरह से अनिल की अच्छाई ने हरि सिंह को सही रास्ते पर आने के लिए मजबूर किया था. इट्स अ सिंपल स्टोरी वेयर द थीफ रियलाइजेस दैट इट्स इजी टू बिकम रिच बाय स्टीलिंग. ये एक सिंपल सी स्टोरी है जहां एक चोर, एक थीफ रियलाइज करता है कि इट्स इजी टू बिकम रिच बाय स्टीलिंग. चोरी करके अमीर बनना बहुत आसान है, बट टू बिकम क्लेवर,
लेकिन एक होशियार आदमी बनना, स्मार्ट एंड रिस्पेक्टेबल पर्सन, एक स्मार्ट एंड रिस्पेक्टेबल आदमी बनना, नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट, इसके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है. दिस इज हाउ द स्टोरी इज कमिंग टू एन एंड. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स.